साउथ के सुपरस्टार रामचरण और उनकी वाइफ उपासना की एक खबर काफ़ी चर्चे में है। दोनों से बार बार मीडिया में यही पूछा जा रहा है कि आपकी शादी को 10 साल हो गए पर अभी तक आप दोनों ने एक बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं की, कहीं आपको बच्चा हो तो नहीं रहा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे रामचरण ने आजकल एक बयान जारी किया है जो कि उनके बच्चे को लेकर है। उनकी पत्नी उपासना से कई बार मीडिया ने ये पूछा कि आपको बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उपासना ने अपने बच्चे के विचार में कहा कि मैं चाहती हूँ इस देश के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, अगर मैं अकेली भी ये सोचती हूँ तो मेरे लिए बहुत है। वहीं जब रामचरण जी से यही बात पूछी गई कि आपकी वाइफ इस तरीके से डिसीजन लेती है तो आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मैं चिरंजीवी का बेटा हूँ और लोगों को मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। मैं चाहता हूँ अपने इंडस्ट्री में और भी नाम कमाऊँ और आगे बढ़ूँ। मेरे लिए मूवीज़ ही सबसे पहले है, पहले मैं अपना एम पूरा करना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम बच्चे के लिए सोचेंगे। वहीं उपासना भी यही चाहती है कि उसकी लाइफ के जो गोल्स है वो गोल्स वो पहले कंप्लीट करे, उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग के लिए हम सोच सकते हैं। भले ही 10 साल की 15 साल भी हो जाए, अगर हमारे गोल अचीव नहीं होते हैं तो हम बच्चा प्लानिंग नहीं करेंगे। और बच्चा अगर हमें प्लानिंग करना है तो हम एक बच्चा गोद भी ले सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा हमारा ही हो। इन फ्यूचर हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। आप बताइए इन दोनों का विचार कैसा है, कमेंट में लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।